थोड़ी देर में दिल्ली पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम धामी के दुबई दौरे को लेकर यह बड़ी जानकारी। दुबई के लिए रवाना होंगे सीएम। दो दिवसीय सीएम धामी का दौरा है। दुबई में रोड शो करेंगे सीएम धामी और बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बताएं कि दो दिवसीय दुबई के दौरे पर आज रवाना होने वाले हैं और इसके लिए थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे सीएम धामी, जिसके बाद दिल्ली से दुबई के लिए रवाना होंगे। और किस तरीके से उत्तराखंड के लिए और नए आयामों को बढ़ाया जाए, इन तमाम मसलों को लेकर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को लेकर जो है खास बातचीत और खास ये दौरा होने वाला है। इसको लेकर आपको बताएं कि जो निवेशक होंगे उन्हें उत्तराखंड आने के लिए निमंत्रण और आमंत्रित भी किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी। सीएम धामी दुबई के लिए रवाना होंगे। दो दिवसीय सीएम धामी का दौरा है, जहां पर रोड शो वो करने वाले हैं। कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात वो करेंगे। दुबई में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़े निवेशकों के साथ बैठक खासतौर पर होगी और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उन निवेशकों को निमंत्रण देंगे। तो ये बड़ी जानकारी उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड नए नए आयाम को छू रहा है और इसी कड़ी में अब किस तरीके से पहाड़ों से लेकर जो मैदान की स्थितियां हैं उन्हें और ज़्यादा बेहतर किया जाए, इसको लेकर दरअसल आपको बताएं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का खासा फोकस इस पर बना हुआ। इसी के लिहाज से सीएम पुष्कर सिंह धामी दुबई जा रहे हैं, जहां पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात वो करेंगे, बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और किस तरीके से उत्तराखंड में वो निवेश कर सकते हैं जिससे कि जो है नए आयाम उत्तराखंड के युवाओं को मिले, इस पर जो है खासा फोकस सीएम धामी का इस दो दिवसीय दौरे के दौरान रहने वाला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का दो दिवसीय दौरा, जिसके लिए थोड़ी देर में आपको बताएं कि दुबई के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़े निवेशकों के साथ बैठक करेंगे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। और अब आपको बताएं कि दरअसल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो समय है वो दिसंबर में है, यानी कि समय नज़दीक आ रहा है और सभी को इंतज़ार है कि जो ये समिट होने वाला है उत्तराखंड में, इससे जनता के लिए क्या कुछ निकल कर आएगा, युवाओं के लिए क्या कुछ निकल कर आएगा, महिलाओं के लिए क्या कुछ निकल कर आएगा और किस तरीके से जो उत्तराखंड के लिहाज से बेहतर चीज़ें हो पाए, उस लिहाज से कितना कारगर ये ग्लोबल समिट होने वाला है। हालांकि इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई, लेकिन इसे पूर्ण रूप से कामयाब बनाने की पूरी तरीके से कोशिश जो है सीएम धामी की तरफ से की जा रही है। इसी कड़ी में आज जो है दुबई सीएम पुष्कर सिंह धामी जा रहे हैं, जहां पर दो दिवसीय दौरे में कई बैठकें वो करने वाले हैं। और इस पर खास जानकारी के लिए देहरादून से मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी मेरे साथ लाइव जुड़े। ज्ञानेंद्र, जिस तरीके से आज सीएम धामी दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तौर पर ये दौरा काफ़ी अहम होने वाला है, क्योंकि निवेशकों को आमंत्रित वो करेंगे उत्तराखंड में आने के लिए और निवेश करने के लिए। बिल्कुल, सरकार की कोशिश है कि जो दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होने हैं उसको किसी भी प्रकार से सफल बनाया जाए। 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की जो एक लक्ष्य उत्तराखंड सरकार ने रखा है, अभी तक 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को लेकर MOU साइन करार हो चुके हैं कई कंपनियों के साथ। और ऐसे में आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं और वो दुबई के लिए रवाना हो रहे हैं, दुबई अबू धाबी में मुख्यमंत्री की वहाँ की कई बड़ी कंपनियों के निवेशकों के साथ मीटिंग्स हैं और उसके बाद दोनों देशों में रोड शो होने वाले हैं, और ऐसे में कई मायनों में बेहद खास है अगर हम देखें ये दौरा, क्योंकि दुबई और अबू धाबी की जो अर्थव्यवस्था है वो देश विश्व भर में काफ़ी मजबूत है। कई अगर हम देखें तो अमेरिका, इंग्लैंड, भारत, चाइना और ये ऐसे देश हैं जो अर्थव्यवस्था की मजबूती पे सिर पे आते हैं। ऐसे में अगर हम देखें तो अरब कंट्रियों में जिस तरीके से अबू धाबी और इसके अलावा अगर हम देखें कुवैत, ये ऐसे देश हैं जहाँ पे तेजी से अर्थव्यवस्था इन देशों की बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन देशों में एक तरफ जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की भरमार है, तो
तो दूसरी तरफ अगर पर्यटन को बढ़ावा देने पे यहाँ की सरकारें काम कर रही हैं। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो मीटिंग्स में रहने वाली हैं, और दुबई और अबू धाबी में जो मीटिंग होगी मुख्यमंत्री के साथ, जो उत्तराखंड सरकार के आला अधिकारी हैं, अपर सचिव सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं, चाहे वो विनय शंकर पांडे हों या फिर मीनाक्षी सुंदरम हो, तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं, जो उद्योग सचिव हैं, तमाम ऐसे जो बड़े अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। और ऐसे में तमाम निवेशकों के साथ जो मंथन होगा उसमें जो पॉलिसी बनाई गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, और कहीं ना कहीं उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए निवेशकों को जो बिंदु रखे गए हैं उनको उनसे अवगत कराया जाएगा। और ये कोशिश रहेगी कि तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो निवेश हैं वो दुबई से अबू धाबी से उत्तराखंड को मिले, ये पूरी उम्मीद रहेगी, क्योंकि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है, ये सरकार ने अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम देखें तो पिछले दिनों जिस तरीके से लंदन में रोड शो हुआ था और किस प्रकार से हमने देखा था कि हजारों करोड़ रुपए का जो एमओयू साइन करार किया गया था कई कंपनियों से, और ऐसे में जो दिसंबर माह में इन्वेस्टर समिट होगा उस इन्वेस्टर समिट के पहले ही सरकार ने ये कह दिया है कि 30,000 करोड़ रुपए का जो निवेश है, जो काम है, वो धरातल पे शुरू हो जाएगा। ये इन्वेस्टर समिट शुरू होने से पहले ही काम शुरू हो जाएगा धरातल पे उत्तराखंड के अंदर। यानी कि अगर हम देखें तो सरकार पूरी जो जोर आजमाइश कर रही है कि उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े उद्योग कंपनियां आए, देश विदेश की कंपनियां आए। हालांकि दौरे की शुरुआत हो रही है लेकिन सभी की निगाहें जो है अब समिट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें बेहद ज्यादा इस समिट से उम्मीद है कि उनके लिए कुछ निकल कर इस पर सामने आएगा। देखिए, अगर इसे समझना होगा, जिन देशों में जो दौरे रहे हैं, अगर हम देखें लंदन में मुख्यमंत्री के दौरे रहे हैं, और ऐसे में जिन कंपनियों ने मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग्स की हैं, डील की हैं, वो कंपनियां अगर यहाँ आती हैं तो अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों से संबंधित हैं, स्टील से संबंधित जो कंपनियाँ हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो उद्योग धंधे में कई तरह की ऐसी कंपनियां हैं जिनको कहीं ना कहीं देखा जाता है तो उसकी ज़मीनों की काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उनको ज़मीनें उपलब्ध नहीं होती हैं अपने उद्योग धंधे खोले जाने को लेके। ऐसे में पहले से इसकी जो प्लानिंग की गई है उन्हीं कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है जिनको लेके पर्याप्त व्यवस्था सरकार यहाँ उत्तराखंड के अंदर दे सके। और कई तरह के जो छोटे उद्योग हैं, कई तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ निर्माण किए जा सकते हैं उत्तराखंड के अंदर, और ऐसे में पहाड़ों में ऐसी ज़मीनें बहुत उपलब्ध हैं जिनको की सहूलियत की गई है, क्योंकि भूमि को लेके जो कानून हैं वो इतने कठोर होते हैं कि अक्सर उद्योग सेक्टर के लोग कहीं ना कहीं इन ज़मीनों को लेते समय काफ़ी उनको जो अड़चनों से सामना करना पड़ता है। ऐसे में उनसे संबंधित कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं उसको सरकार ने दूर करने का काम किया है ताकि बड़ी बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां भी अपने यहां उद्योग धंधे खोल सके। देखिए, सबसे बड़ा जो फायदा होगा इस पूरे निवेश से वो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था से होगा। अगर हम देखें तो उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहां बड़े बड़े अगर उद्योग खुलेंगे तो सीधा सीधा इसका जो फायदा है राज्य की अर्थव्यवस्था से होगा, जो टैक्स होंगे जो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो तकरीबन 70 लाख से अधिक 70 लाख करोड़ से अधिक का जो कर्ज है उत्तराखंड राज्य पे है, और ऐसे में अगर यहाँ उद्योग धंधे स्थापित होते हैं तो ये एक कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित होगा यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेके। क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो उत्तराखंड का अगर जब से निर्माण हुआ था तब से अगर हम देखें तो एनडी तिवारी के समय में यहाँ सेलाकुई जो इंडस्ट्रीज एरिया का कहीं ना कहीं निर्माण किया गया था और बड़े बड़े उद्योग कंपनियों को यहाँ बुलाया गया था, पिटकुल है, सिरकुल है, हरिद्वार क्षेत्रों में अगर हम देखें तो उस समय काम हुआ था। उसके बाद से त्रिवेंद्र रावत सरकार में भी यहाँ इन्वेस्टर समिट कराए गए थे और काफ़ी जो कंपनियाँ हैं यहाँ उन्होंने रुचि दिखाई और काम यहाँ शुरू किया।
समय समय पे सभी मुख्यमंत्रियों ने, हरीश रावत ने भी निवेश को बढ़ाने को लेकर जोर दिया था, यहाँ के जो लोकल उत्पाद हैं उन्हें बढ़ाने को लेकर जोर दिया था। देखिए कोशिशें सभी सरकारों में रही हैं, लेकिन अक्सर जो दिक्कतें आती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ जो आती हैं उनको जो दिक्कतें आती हैं उसके समाधान पे विशेष तौर पे जो फोकस है वो करने की आवश्यकता थी मौजूदा समय में। जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस पे पहल की है और ऐसे में निवेशकों को तमाम ऐसी बातों से मीटिंग्स के दौरान अवगत कराई जा रही है कि क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध हो सकती हैं निवेश को लेके वहाँ। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सबसे बड़ा फायदा अर्थव्यवस्था को लेके है, दूसरी तरफ उद्योग धंधे खुलते हैं तो जाहिर सी बात है उन क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता होती है और जो उससे संबंधित लोग होते हैं जो रोजगार उनको मिलता है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो समय भी आ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हम पहाड़ों की धरती को, उत्तराखंड को पर्यटन क्षेत्र स्थल के नाम से जानते हैं, ऐसे में जो पहाड़ के बच्चे हैं, उत्तराखंड के बच्चे हैं, युवा कहें, छात्र छात्राएं कहें, उन्हें उत्तराखंड से अपने राज्य को बाहर छोड़कर जो है बाहरी देशों में, राज्यों में जाना पड़ता है, देशों में जाना पड़ता है। और अगर जिस तरीके से आपने बताया कि अगर बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर स्थापित कर लिए जाएंगे तो जाहिर तौर पर स्वाभाविक है कि उससे आमजन को ही फायदा मिलेगा इसका, युवाओं को, छात्र छात्राओं को अपना स्टेट छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। देखिए अगर हम बात करें पलायन की बात करें तो ये उत्तराखंड की एक बड़ी समस्या रही है, यहाँ के लोगों का एक पीड़ा भी है कि उत्तराखंड के लोग जिस तरीके से पहाड़ों को छोड़ के जा रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, तो ऐसे में उद्योग धंधे अगर यहाँ स्थापित होंगे तो जाहिर सी बात है कि उन उद्योग धंधों से संबंधित जो लोग होंगे, जो जिस सेक्टर में काम करता है, उनको यहाँ पे एक मौका मिलेगा, उनको तमाम ऐसे जरिया मिलेगा अपने काम को यहाँ करने को लेके। तो एक कहीं ना कहीं इसके मद्देनज़र भी लोगों को एक फ़ायदा साबित होने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो जिस तरीके से ये शुरुआत निवेश को लेके की जा रही है, आने वाले दिनों में धरातल पे देखने वाली बात है कि धरातल पे कितने निवेश जो हैं वो शुरू होते हैं, कौन कौन से सेक्टर के निवेश शुरू होते हैं और होने वाला है, क्योंकि साफ तौर पर सभी की इस पर निगाह है, ये देखने वाली बात होगी किस तरीके से जो फायदा है सीधा आमजन को इसको लेकर मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।